सिरमौर जिला में मनाया जाता है एक ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय त्योहार जिसके बारे में जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जनजातीय क्षेत्र के कुछ ही स्थानों पर मनाया जाता है ऋषि पंचमी पर्व। महासु देवता के देवालयों में होता है इस पर्व का आयोजन। देवता के गुर धधकते शोलों पर दिखाते हैं खेल। देवीय शक्तियां ऐसी कि आग से गुरु का नहीं हो पाता बाल भी बांका। सदियों की परंपराओं को संजोए रखे हुए है गिरिपार के लोग। आधुनिकता के दौर में भी युवा है इन परंपराओं के ध्वजवाहक। सिरमौर जिला के गिरिपार जनजातीय क्षेत्र का हर त्योहार विचित्र और दिलचस्प है। जनजातीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर ऋषि पंचमी पर मनाया जाता है। ये पर्व गणेश चतुर्थी के अगले दिन महासु देवता के देवालयों में मनाया जाता है। इस पर्व में रात्रि जागरण के दौरान देवता के गुरों की शक्ति हैरान करने वाली होती है। देवता के गुर धधकते चोलों के साथ खेलते हैं और आग में कूदते हैं। दिलचस्प बात ये होती है कि आग से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। शिलाई क्षेत्र के नावड़ा गांव में ऐसी हैरान करने वाली तस्वीरें देखने को मिली है। आग से खेलते देवता के गुर कभी शोलों को हाथ में उठाते हैं, कभी जलती आग का धुआं मुंह में लेते हैं, तो कभी शोलों के बीच ही कूद जाते हैं। ये तस्वीरें शिलाई क्षेत्र के नावड़ा गांव की है। यहाँ ऋषि पंचमी पर मनाया जा रहा है। महासु देवता का ये पर्व सदियों से लोगों की आस्था और क्षेत्र में देव शक्तियों के साक्षात विराजमान होने का प्रमाण है। देवता के गुरु में इस पर्व के अवसर पर विचित्र शक्ति प्रवेश करती है। शक्ति के प्रवेश का प्रमाण ये है कि आग से इन गुरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। गिरिपार जनजातीय क्षेत्र के लोग अक्सर ऐसी तस्वीरें देखते हैं, मगर अन्य लोगों के लिए ये तस्वीर हैरान करने वाली है। ऋषि पंचमी के अलावा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन यानी गुग्गा नवमी के दिन भी देवालयों में ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र के युवा इन परंपराओं के ध्वजवाहक बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि क्षेत्र में आज भी देवीय शक्तियां विराजमान हैं। यही शक्तियां लोगों की आपदाओं और काल आदि से रक्षा करती है। गुग्गा नवमी और ऋषि पंचमी पर इन शक्तियों को साक्षात देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि इन गुरों में देवताओं की हवा आती है, उनको आग भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। मंदिर है यहाँ पर और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और आज तक जो देखा गया है सभी श्रद्धालुओं की महासु महाराज जी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हमें ये सुनने में आया है अपने बुजुर्गों से पीढ़ियों से कि ये बहुत पुराना मंदिर है, सदियों पुराना मंदिर है। इसका ये भी अनुमान नहीं है कि कब से यहाँ पर स्थापना हुई है महाराज जी। और दौसार से जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट शिमला से भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और सिरमौर के श्रद्धालु भी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और जितने भी लोग आते हैं, यहाँ मान्यता है कि श्री महासु महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये होता है कि बहुत से श्रद्धालु आते हैं, जब देवता का गाना चलता है तो कईयों में फिर खेल आ जाता है और कई श्रद्धालुओं को देवता ये भी प्रमाणित करके देता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि अगर मैं आग के साथ भी खेलूं तो मैं जल नहीं सकता और ना जलता है। बहुत से लोग देखते हैं कि जब भी देवता प्रकट होता है तो आग को खा भी लेते हैं, आग के ऊपर बैठ भी जाते हैं, लेकिन वो जलते नहीं है। यही महाराज की शक्ति है और उनके साथ जितने भी दूसरे देवी देवता खेलते हैं वो भी नहीं जलते हैं, वो भी महासु महाराज के साथ शक्ति प्राप्त करते हैं और लोगों को विश्वास होता है कि सच में ही ये एक शक्ति है जो कि आग में भी नहीं जलती है। और कई लोगों के जो कष्ट होते हैं उसके बारे में भी महाराज बता देते हैं और उसका निवारण भी करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं, इसका अनुमान हम लगा नहीं सकते, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। अब जिनकी अपनी श्रद्धा है इस महासु देवता के प्रति, इसलिए लोग हर जगह से आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं जिसकी अपनी अपनी श्रद्धा है। मान्यता इसमें जिसमें भी किसी का द्वेष भावना
होती है, दोष वगैरह होता है, किसी के बच्चा नहीं होता है, किसी के कुछ होता है, किसी की बीमारी होती है, उसके लिए लोग मानता करते हैं, मानता के कारण उसको फल मिल जाता है, उसको अच्छा फल मिलता है, इसलिए लोग कभी देते मनाते हैं। ऋषि पंचमी त्यौहार जनजातीय क्षेत्र के ऐसे गाँव में मनाया जाता है जहाँ महासु देवता का मंदिर है। पंजाब के सी टीवी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट।